किसी राजनेता के लिए ऐसा जवाब कभी सुनने को नहीं मिला। मेरे राजस्थान के भाई जो गुजरात में रहते थे, स्वागत करने के लिए अपने गांव जिले को आज जब मैंने पूछा क्यों जा रहे हो तो जवाब दे रहे हैं कि मोदी जी पिछली बार हमारे राजस्थान से चूक कर गई। कोई बात नहीं यार, आते रहना। चुनाव में हमें को कमी रह गई है, हम सभी का पश्चाताप करने जा रहे हैं। हम राजस्थान में यात्रा का स्वागत करके हमारे पिछले चुनाव की जो कमी है उस पश्चाताप करने के लिए हम जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजनेता हो सकता है कि जिसके लिए गुजरात की धरती पर रहने वाला राजस्थानी भाई जी इतनी भक्ति और प्यार के साथ बड़ा कांग्रेस बिछाने के लिए राजस्थान की धरती पर आकर
होता है कॉमनवेल्थ को भारत
मैं हिंदुस्तान के पत्रकारों से प्रार्थना करता हूं, इस देश के पॉलिटिकल पंडितों से प्रार्थना करता हूं कि वो जरा कांग्रेस के 7 साल के कारोबार को देखें। वो 5 साल में पहला वर्ष अपने विरोधियों का हिसाब चिंता करने में लगाते हैं। 5 साल में पहला वर्ष गांव में कितने लड़के लगाते हैं उनको परेशान करने में लगाते हैं। 3 साल में खजाना लूट लेने लगे रहते हैं, जहां से मेरे करते हैं और आखिरी चुनाव में जनता को विरोधी बांटने में लगा देते हैं। ये फेंको वो फेंको, वो डालो वो डालो, जनता को गुमराह करो। मालूम है कांग्रेस के 5 साल के कारोबार का ये पेंटर रहता है। अगर हम कांग्रेस के कारोबार के कार्यक्रम से मुक्ति नहीं लेते हैं, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनाते हैं, ये जो बीमारियां हैं ये बीमारियों से देश बच नहीं सकता। इसको भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए एक नजराना है, भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए कहना है। कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है वो कांग्रेस में उतनी ज्यादा तरक्की पा, इस कांग्रेस के कारण रहे हैं। आज मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस के रहते हुए हम हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। आज इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना है तो उसके लिए एक ही बड़ी छुट्टी है, एक ही अस्थिर जवाबदार है, एक ही दवाई है जो रातों रात इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, और वो दवाई का नाम है कांग्रेस को छुट्टी कर दो। कांग्रेस को पूरी तरह पराजित करो, कांग्रेस को कहीं का रहने न दो। अगर ये हम करते हैं, मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, भाई बहनों, हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के नौजवानों के सपनों को साकार कर सकते हैं। हम इस देश भाई बहनों, हमें उस दिशा में गंभीरता से सोच रहा है। भाई बहनों, किसी भी देश के अंदर ऐसी सरकार नहीं हो सकती है और सरकार चलाने वाली ऐसी पार्टी नहीं हो सकती है। आज दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी, दिल्ली में सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी, ये एक ऐसी सरकार है जिसके पास, जिस कांग्रेस दल के पास नेता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके पास नेता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है। न नेता हो, न नियत हो, न नीति हो, न नैतिकता हो। अगर ये 4 मूलभूत बातें न होगी तो देश किसके भरोसे करेगा? हम किसके भरोसे देश को देना चाहते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी नेता नहीं, नीति नहीं, नैतिकता नहीं, नियत नहीं, ऐसी कांग्रेस पार्टी से हमें देश को बताना होगा। आज रुपये का हाल क्या हो गया? हम तो राजस्थान के लोग हैं, हमारी दूसरी पहचान है मारवाड़ी, और जब मारवाड़ी पहचान कहते हैं तो उसके बाद रुपये की ताकत मिल जाती है। हम इस देश में रुपये का मूल्य सबसे ज्यादा समझने की ताकत या तो गुजराती में है या तो
हमारा राइट है। रुपया क्या होता है उसका महत्व हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का रुपया अस्पताल में पड़ा है। जीवन मृत्यु के बीच में देश का रुपया कमर क्यों है? अब कांग्रेस शांत की पार्टी के सामने दो सवाल है। कांग्रेस के सामने दो चिंता है, उनकी एक चिंता है कि गिरती हुई सरकार को बचाए कि गिरते हुए रुपये को बचाए। दोनों से किसको बचाए एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, कांग्रेस के लिए दूसरी चिंता का विषय है कि कांग्रेस को बचाए, कांग्रेस की इज्जत को बचाए कि देश की इज्जत को बचाए। और भाइयों बहनों, मैंने दुख के साथ कहना है कि दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस सरकार को रुपये की कीमत बचाने की चिंता नहीं है, सरकार बचाने की चिंता है, देश की इज्जत बचाने की चिंता नहीं है, कांग्रेस की इज्जत बनाने की चिंता है। अब इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार कभी देश का भला नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, आज भी देश उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली की हालत इतनी खस्ता है
परिवार में उत्साह उमंग होता है, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, उस समय हमको उत्सव नहीं मनाते, हमारा ध्यान नहीं जाता। मैं आज राजस्थान की धरती को और राजस्थान की धरती से पूरे देश के नौजवानों को कहता हूं कि भारत के संविधान ने हमें एक अनमोल भेंट दी हुई है। 1.25 करोड़ देशवासियों ने हमें एक अनमोल भेंट दी है। वो अनमोल भेंट है मतदाता बनने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, ये 18 साल की उम्र में हमें मिलता है। 18 साल होते ही पूरे परिवार में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में एक उत्साह का माहौल होना चाहिए कि भाई आज आप 18 साल के हो गए, अब तो आप हिन्दुस्तान के भाग्य विधाता बन गए, आप भारत के भाग्य विधाता बनते हो। और इसलिए जैसे स्कूल का एक उत्सव होता है, शादी का उत्सव होता है, वैसा ही 18 साल के बाद नागरिक बनने का उत्साह होना चाहिए, मतदान मताधिकार पाने का उत्साह होना चाहिए, मतदाता बनने का उत्साह होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने संगठन की शक्ति को काम में लगाया, हर बूथ से कार्यकर्ताओं को काम में लगाया। और मुझे बताया गया कि यहां जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनके पास किस बूथ से आए हैं, किस तहसील से आए हैं, उसके पहचान पत्र है। भाई बहनों, एक बहुत बड़ा काम राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने किया है, मैं इकाई को अभिनंदन देता हूं। लेकिन भाई बहनों, मैं एक बात की ओर अपनी बात इंगित करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। भाई बहनों, ये तो साफ नजर आ रहा है कि आंधी बड़ी तेज है,
लिखा है।